IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। मंगलवार को गोवर्धन विकास खंड में लगा संपूर्ण समाधान दिवस में 27 शिकायतें आईं और 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में राशन डीलर द्वारा राशन न वितरण करना, दाखिला खारिज, राशन कार्ड बनवाने, घरेलू विवाद व जमीनी विवाद व पुलिस संबंधित आदि मामलों में 27 शिकायतें आईं, जिसमें मौके पर 5 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। शिकायतों का निस्तारण न होने पर लोगों ने हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस ने लोगों को शांत कराकर अधिकारियों ने समस्या हल कराने का भरोसा दिया गया। वहीं एक महिला ने जमीन का दाखिला खारिज करने को लेकर ऊर्जा मंत्री के गौ गांठोली के लेखपाल पर रुपये लेने का आरोप लगाया है। जिस संबंध में CDO श्रीनिवास से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामले की ऐसे कई मामले आए हैं जो अधिकारियों रुपये लेने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर विकास खंड अधिकारी गौरविंद्र सिंह, CDO श्रीनिवास, SDM नागेंद्र कुमार, तहसीलदार अजय कुमार, CO विनय चौहान, थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह व संबंधित गौव के लेखपाल मौजूद रहे। क्या मामला है? खेत लियो जब दाखला खर्च चढ़वा रहे 20,000 रुपया को 15,000 ऐसे मांगे। कौन मांगता है? कौन है? मोहन सिंह पटवारी साहब। कहाँ के? नगला ठोली के। आज कितनी शिकायतें आई हैं और क्या क्या शिकायतें मुख रही हैं? देखिए, अभी तक तो शिकायतों का कैलकुलेशन हमारे SDM साहब कर रहे हैं, लेकिन अभी संज्ञान में है कि 27 शिकायतें आ गई हैं और 5 का मौके पर ही डिस्पोजल हो गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितने भी अधिकारी आए हुए थे सबको ये निर्देशित किया गया है कि वो शिकायतों का त्वरित यानी यथासंभव तत्काल निस्तारण कराएं और नहीं एक सप्ताह में जरूर करा दें। सर, राशन डीलर की जैसे शिकायतें रिश्वतखोरी के मामले में सामने आ रहे हैं, सर किस चीज़ में? राशन के मामले में नहीं, राशन की जो 2-3 शिकायतें आई थी हमारे SDM साहब ने स्वयं भी संज्ञान में लिया है और दोनों पक्षों की बात सुनी है। इन्होंने कोटेदार को यहीं पर बुलाया और इन्होंने सख्त हिदायत भी दी है कि गलत रूप से वितरण नहीं होना चाहिए। कोटेदार ने बताया कि उसके यहाँ राशन रखा हुआ है और जो शिकायत करता है वो उनके घर पे नहीं गए लेने, या जहाँ भी वितरण होता नहीं लेने गए। खैर, उसको SDM साहब के संज्ञान में है, पूर्ति निरीक्षक को भी इन्होंने लगा रखा है और नियमानुसार वितरण ये सुनिश्चित कराएंगे, ये आश्वासन दिया है।